नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार ने विकास के मुद्दे का भोपू बजाया लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था को ही पंचर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ना तो जीडीपी ग्रोथ है, ना ही रुपये को मजबूती मिली है और ना ही रोजगार में किसी भी तरह की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। हम आपको बता दें कि विपक्षी दल लगातार आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार पर हमलावर रही है और इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आर्थिक विकास दर 2019 और 2020 के पहली तिमाही में ही जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5% से घटकर नीचे आ गई है और उसके बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा का बहुत बड़ा और कड़ा बयान सीधे मोदी सरकार के लिए कि मोदी सरकार ने विकास के मुद्दे को लेकर जो आगे आई थी अब पूरी अर्थव्यवस्था को ही उन्होंने चौपट कर दिया है। बने रहेंगे इस पूरे खबर पे, दिन भर की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ।